आज हम जाएंगे माणा गांव में, तो आज बटनाथ से यहाँ माणा गांव 3 किलोमीटर आ गए। यहाँ माणा गांव में भीम पुल, ब्यास गुफा, गणेश गुफा है और सरस्वती नदी भी है। यहाँ पर से सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है केशव प्रयाग में, अलकनंदा और सरस्वती नदी मिल जाती है, तो यहाँ से आगे से अलकनंदा नदी शुरू हो जाती है। तो आज अभी हम जहाँ गाँव की गणेश जी की गुफा है, यहाँ महावार लिखी गई थी, ऊपर से वेद व्यास जी बोल रहे थे और यहाँ नीचे पे गणेश जी लिख रहे थे। लिखते लिखते वहाँ क्या वेद व्यास जी जब उसको बोलते जब गणेश जी के पास गए थे तो गणेश जी ने बोला, वेद व्यास जी आप कहीं पर रुकोगे नहीं, जहाँ पर आप रुकोगे तो मैं वहाँ पर से उसको बोलते लिखना बंद कर दूँगा। फिर उन्होंने जब उसको बोलते वेद व्यास जी थे ना, तो उन्होंने बोला इनके कभी कभार बोली पार थे तो उन्होंने कठिन कठिन शब्द बोले, तो बीच में उसको बोलते उनकी कलम टूट गई थी गणेश जी की, तो उन्होंने सीधे अपना दांत तोड़ के लिखा। फिर यहाँ बीच में सरस्वती जी ने भी हल्ला किया था उनकी नदी की आवाज़। फिर गणेश जी ने बोला कि अपनी आवाज़ को कम करो, उन्होंने सरस्वती जी ने अपनी आवाज़ को कम नहीं की, तो उन्होंने गणेश जी ने उन्हें शराब दिया कि तुम यहाँ आगे पीछे 100 मीटर आगे लुप्त हो जाओगी। हम आ चुके हैं अभी ब्यास गुफा, और ये ब्यास गुफा का गेट है, और ये जो उसको थे ये दीवार पे छप रहे थे महाभारत के पन्ने हैं, और ये कहते हैं अंदर गुफा है। तो यहाँ पर ब्यास जी ने यहाँ से महाभारत बोली थी, नीचे गणेश जी ने लिखी थी।